राजधानी दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन समाप्त हो चुका है। सम्मेलन में शामिल होने आए नेता वापस अपने देश लौट चुके हैं, लेकिन सऊदी अरब के युवराज अब भी दिल्ली में मौजूद। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद वर्तमान में भारत की राजकीय यात्रा पर है। दरअसल हाल ही के वर्षों में पीएम मोदी और युवराज के बीच जो नजदीकी बढ़ी है, उसका असर दुनिया के कई बड़े मंचों पर दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब के युवराज सोमवार को सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के युवराज ने सोमवार को बैठक की, और इस बैठक में भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने $50 अरब की पश्चिमी तटीय तेल शोधक परियोजना पर अमल में गति लाने, चिन्हित ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और शक्तिशाली बनाने का निर्णय किया। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार और सऊदी अरब सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। भारत और सऊदी अरब सामरिक साझेदारी परिषद यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली बैठक में दोनों पक्षों ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में अपने संबंधों के वर्तमान स्तर को विविधता प्रदान कर इसे समग्र ऊर्जा गठजोड़ में तब्दील करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने डिजिटलीकरण और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों ने पश्चिमी तटीय तेल शोधक परियोजना को जल्द लागू करने का पूर्ण समर्थन किया, जो अरामको, ADNOC और भारतीय कंपनियों के बीच त्रिपक्षीय सहयोग पर आधारित है। दोनों नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के युवराज के बीच बातचीत में कई क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिनमें ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और संस्कृति शामिल है। दोनों पक्षों ने पावर ग्रिड, गैस ग्रिड, ऑप्टिकल ग्रिड, फाइबर नेटवर्क में संभावित सहयोग पर भी चर्चा की। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन की समाप्ति के बाद बिन सलमान इस समय भारत की राजकीय यात्रा पर। प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के युवराज ने पश्चिमी तटीय तेल शोधक परियोजना पर अमल में गति लाने का पूर्ण समर्थन किया, जिसके लिए $50 अरब की राशि चिन्हित की गई। दोनों पक्षों ने संयुक्त कार्यबल स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की, ताकि $100 अरब के निवेश से जुड़े आयामों के चिन्हित करने और इसका रेखांकन करने में मदद मिल सके। बता दें कि अहम क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सऊदी अरब सामरिक साझेदारी परिषद की घोषणा 2019 में की गई थी। बैठक से पहले सऊदी अरब के युवराज का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में एक समारोह में स्वागत किया गया। स्वागत के बाद बिन सलमान ने कहा, मैं भारत आकर बहुत खुश हूँ। मैं G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत को बधाई देना चाहता हूँ। शिखर सम्मेलन में की गई घोषणाओं से दुनिया को फायदा होगा। उन्होंने कहा, हम दोनों देशों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली बैठक में भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। 2019 की मेरी सऊदी अरब यात्रा के दौरान हमने इस परिषद की घोषणा की। इन 4 वर्षों में यह हमारी रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने के प्रभाव माध्यम के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण सामरिक सहयोगियों में से है। विश्व की दो बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, सऊदी अरब में रहने वाले भारतवासियों के हितों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। भारत और सऊदी अरब की मित्रता क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है।